तो दोस्तों आप लोग का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊं, आप लोग के पास कोई सा भी आईफोन का मॉडल क्यों ना है तो आप लोग उस आईफोन के मोबाइल में आप लोग कैसे यूट्यूब को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे, मेरे पास फिलहाल अभी आईफोन का मोबाइल है। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताऊंगा, आप लोग जो पुराना जो भी जीमेल आईडी आप लोग एंड्रॉइड फोन में यूज करते थे उसको कैसे आप लोग सेम इसी फोन में जो यूट्यूब इंस्टॉल करोगे उसमें लॉग इन कैसे करोगे। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके पूरा डिटेल्स में बताया कि कैसे आप लोग जो कोई सा भी आईफोन के मॉडल जो भी आपका आईफोन मॉडल 14, 13, 12 उसमें आप लोग YouTube को इंस्टॉल करके और उससे लॉगिन कैसे कर सकते हो अपने जीमेल आईडी के साथ वो भी पुराने। तो गाइस वीडियो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको फोन में जो ऐप स्टोर होता है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग देख पा रहे हैं ऐप स्टोर का लोगो कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद आप लोग को सबसे पहले इंटरनेट को ऑन कर लेना या फिर अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेना। जैसे आप लोग इंटरनेट को ऑन कर लोगे या फिर वाईफाई से कनेक्ट कर लोगे तो उसके बाद सिंपली आप लोग को ऐप स्टोर को ऊपर क्लिक करना। तो जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको परमिशन मांगेगा लोकेशन का, आप लोग को जो है सिंपली फर्स्ट वाला जो दिख रहा है अलाउंस का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स वगैरह होता है, एंड आप लोग क्या करना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं नीचे में बहुत सारा ऑप्शन है टुडे का, गेम्स का, ऐप्स का, एंड आप लोग को सर्च का भी ऑप्शन दिख जाता है नीचे में भी। एंड आप लोग को जो भी ऐप्स डाउनलोड करना होता है यहीं से कर सकते हैं। सिंपली आप लोग को सर्च पे जाना, एंड आप लोग को यूट्यूब डाउनलोड करना है तो आप लोग को सर्च वाले ऑप्शन में क्या करना है, यूट्यूब सर्च करना है। जैसे आप लोग प्ले स्टोर वगैरह में करते हो एंड्रॉइड फोन में, तो यहाँ पर क्या करना है आप लोग को सर्च वाले पर जा करके आप लोग को सिंपली टाइप करना है यूट्यूब। ठीक, जैसे आप लोग यूट्यूब टाइप करोगे तो आप लोग को लिखा हुआ आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हो। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट में भी आ गया यूट्यूब, एंड यहाँ पर क्या लिखा रहा है, गेट का ऑप्शन है। एंड्रॉइड फोन में क्या होता है कि इंस्टॉल का दिखाता है, लेकिन एप्पल सब फोन में गेट का ही ऑप्शन आता है। तो सिंपली आप लोग को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो गेट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर बोलेगा आप लोग को इंस्टॉल का ऑप्शन, एंड आपका जो भी एप्पल आईडी होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको हाइड कर रखा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोग को सिंपली इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोग का एप्पल आईडी का पासवर्ड पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं बोल रहा है एंटर द पासवर्ड फॉर द ये जीमेल आईडी कुछ, सॉरी ईमेल आईडी कह रहे हैं, मतलब ये एप्पल आईडी के लिए आपका जो भी पासवर्ड आप लोगों ने बनाए थे स्टार्टिंग में फोन को जब सेटअप कर रहे होंगे 8 डिजिट का जो पासवर्ड होता है वो यहाँ पर आपको देना होता है। ठीक ना, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर अपना एप्पल आईडी का पासवर्ड दे दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ जो साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपना एप्पल आईडी का पासवर्ड दे देता हूँ 8 डिजिट का, इसको मैं ब्लर कर रखा हूँ, आप लोग भी किसी को दिखाइएगा मत। तो सिंपली यहाँ पर दे देने के बाद उसके बाद आप लोग को साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप लोग साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आएगा। एंड आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ अभी लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा वेट करना 10-5 सेकंड आप लोग को यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेव पासवर्ड का फ्री आइटम, आप लोग चाहते इसे सेव भी कर सकते हो नोट नाउ, मतलब कि आप लोग जब फिर से डाउनलोड करोगे इंस्टॉल करके तो आप लोग को पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, ये चीज़ बोल रहा है। तो अगर आप लोग चाहते सेव भी कर सकते हो नोट नाउ भी कर सकते हो, फिलहाल मैं नोट नाउ कर देता हूँ। एंड आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी भी लोडिंग ले रहा है, एंड आप लोग देख पा रहे जैसे कि यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ब्लू सर्कल कुछ घूम रहा है, एंड आप लोग इसे चाहो तो अभी स्टॉप भी कर सकते हो, ये इंस्टॉल होने दे, फिर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जीमेल आईडी से लॉग इन वगैरह करके। तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रखा हूँ तो थोड़ा फास्ट हो रहा है डाउनलोड, तो आप लोग भी वेट कीजिएगा हो जाएगा डाउनलोड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। एंड आप लोग देख पा रहे ये डाउनलोड हो गया, उसके बाद ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, आप लोग चाहो तो पूरा बैक करके होम स्क्रीन से भी ले आ सकते हो। तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ आप लोग को ताकि देख भी पाओ कि आया कि नहीं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर व्हाट्सएप के बालू जस्ट यूट्यूब आ चुका है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ एंड आप लोग को दिखाता हूँ इसको कैसे लॉग इन वगैरह किया जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर साइन इन विथ गूगल आ रहा है, एंड यहाँ पर आप लोग को क्या करना है अलाउ कर देना है, ये परमिशन मांगेगा। तो सिंपली अलाउ करने के बाद आप लोग को क्या करना है साइन इन विथ गूगल वाले पर क्लिक कर देना है ताकि आप लोग जीमेल आईडी से लॉग इन कर पाओ। ठीक, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और गाइस जैसे आप लोग साइन इन विथ गूगल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक पेज पर डायरेक्ट करेगा जो कि एक क्रोम ब्राउजर की तरह होता है, इसका जो खुद का होता है एप्पल का। तो आप लोग को सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आप लोग एक पेज पर डायरेक्ट हो जाओगे लिंक पर। ठीक ना, तो जैसे यहाँ पर आओगे तो आप लोग को जो अपना जो जीमेल आईडी होता है जो एंड्रॉइड फोन में आप लोग लॉगिन कर रखे हो उसको यहाँ पर दे देना है। तो उसके बाद आप लोग को पासवर्ड देना होता है यहाँ पर, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बोल रहा है ईमेल और फोन नंबर, आप लोग को जिस भी जिस चीज़ बनाया हो तो आप लोग वहाँ पर दे दीजिएगा। जैसे मैं ईमेल आईडी दे चुका हूँ, उसको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आपको पासवर्ड का ऑप्शन भी आ सकता है या फिर अगर पुराने फोन में लॉगिन होगा 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखे हो तो कुछ इस प्रकार से आएगा। आप लोग को सेम उसी फोन में लेना है जिसमें आप लोग को ये आईडी जो जीमेल आईडी है लॉगिन है एंड्रॉइड फोन में, उसमें एक कोड करके आता है इस प्रकार, जैसे आप लोग देख 89 इसमें शो कर रहा है। तो मेरा पोको X3 प्रो फोन में जो है फिलहाल ये वाला जीमेल आईडी लॉगिन है, तो मैं क्या करूँगा इस फोन के नोटिफिकेशन में जाऊँगा एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आ रखा है। तो मैं इसको ओपन पर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देख पा रहे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, एंड उसके बाद क्या करना है आप लोग को यस इट इज मी पे क्लिक कर देना है। ठीक,
मैं उसी फ़ोन में लॉगिन कर रहा हूँ, तो इसमें परमिशन आप मांग रहे हैं कि उसमें लॉगिन करना चाहते हो या फिर नहीं। उसके बाद आप लोग को 89 जो अंक दिख रहा है यहाँ पर, 89 सेम चूज कर लेना, ठीक। जो नंबर दिखेगा वहीं पर चूज कर लेगा। अब देख सकते हो बिना पासवर्ड का ही लॉगिन हो गया। आप लोग का पासवर्ड मांगे तो पासवर्ड दे जाएगा, या फिर सेम मेरे तरह होगा तो आप लोग कर सकते हैं। एंड आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब जन लॉगिन हो चुका है, एंड बहुत कुछ इसमें जो भी यूट्यूब का होता है वो सारी चीज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है, एंड यूट्यूब का पेज भी दिख रहा है हम लोग को, ठीक। तो गाइस इस प्रकार से ना आप लोग कोई सा भी एप्पल का फोन क्यों ना आईफोन का, उसमें आप लोग यूट्यूब को इंस्टॉल करके आप लोग लॉग इन कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर मेरा टीवी ऑन है, तो इसलिए यहाँ पर वोटर कनेक्ट करने का ऑप्शन। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा यूट्यूब जन है यहाँ पर इंस्टॉल होकर कम्प्लीटली लॉग इन हो चुका है, और मैं इसे चला भी पा रहा हूँ। सो गाइस आप लोग भी कुछ इसी प्रकार से अपने कोई सा भी आईफोन क्यों ना मॉडल का इंस्टॉल करके आप लोग भी जन लॉग इन कर पाओगे। सो ऐसा करता आप लोग वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, जब पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।